Wednesday has been as concrete. Und wir haben meine Zielgäste auch in die Distinktion. Und wir sind gut in unserem Spiel vor Kopfhörer-Spiel von meiner Seite. Vor Dürren, anzugehen. Und ja, jetzt kann man alles sehen, was wir haben. Die Pahli Zies, die wir hier machen, ist ein Neuschick. Sarath. इसकी आईसीसी में हो रही है और हमारे चैंपियंस राउफ इंद्र के साथ इंटरेक्शन कर हम यहाँ फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं कश्मीर इन लोगों को अपेयर करेंगे अबाउट फ्रांसिस और किस तरह से एक रिस्पांस दे सीजन पर करते जो ऑडियो और विजुअल निवेशक सारथी की वैंस है किस तरह से ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में लोगों को आगाह करेगी लोगों तक जानकारी पहुंचाएगी तो चलिए आइए अब आज की कॉन्फ्रेंस का आगाज करने के लिए हम सब सारथी वैंस जो ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी अलग अलग जगह उनकी रीजनल भाषा में उनकी अपनी जुबान आप प्लीज थोड़ा साइड दे दो अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को अवेयर करेगी जागरूक करेगी फाइनेंशियल अवेयरनेस उन तक पहुंचाएगी इसी के साथ यहाँ मेल करते हैं ये सरकार की कुछ वेबसाइट इस तरह से हम ये बलून्स को देख सकते हैं अलग अलग दिशा जाकर लोगों को अवेयर करेंगे जागरूक करेंगे उन्हें जानकारी देंगे किस तरह से अपने तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी चक्रों में मत पड़िए कि नहीं मेंबर बनाना रातों रात करोड़पति बनाना ऐसे सपने दिखाने वाली पाओ या उपहार घर ले जाओ ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बच के 20,000 एक काम कर ये ले 100 रुपया पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू जो हर एक आम कश्मीर के घर को रोशन करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन की और ये वो अवेयरनेस है जो हर किसी के पास होनी चाहिए और अगर ये अवेयरनेस होगी तो हम आगे से गुजारिश की वो भी प्राइस है जिसके लिए आज कश्मीर को चुना गया है तो पहली बात करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट राव इंद्रजीत सिंह जी का जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेटस एंड प्रोग्राम चीफ गेस्ट के लिए इसके बाद हमारे बीच आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हाँ डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हमारे चीफ गेस्ट एंड सीईओ IEPFA जोरदार तालियां स्टेट को कश्मीर यूटिलाइज करना चाहता है इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बेस्ट रिटर्न चाहता है और आजकल हम देखते हैं एक वक्त था कि हम आपको मैं तूफान सा क्यों है इस शहर में मोस्टली लोग परेशान से क्यों हैं आज प्रोग्राम उन्हीं फ्रॉड से हमें बचाएगा एक बार फिर जोरदार तालियां इस प्रोग्राम के लिए और मैं गुजारिश करूंगा अनीता शाकेला जी से जी हाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीईओ IEPFA कि वो बुक जी हाँ कश्मीर का तोहफा कश्मीर का शौक ये कश्मीर में पहली बार हमारी कोऑपरेटिव का मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है सारे मुल्क के अंदर कोई 50 जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होने जा रही है सर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में देखो जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे रोजगार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा
और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज्म एक बार दोबारा से खुल जाए। सर बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं लेकिन जो लोकल यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं क्या उन्हें भी स्पेस मिलेगी? उन्हीं को ही ज़्यादातर तो उनको ही प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वही वैली के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। सर एक एक क्वेश्चन इस ताल्लुक से है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, उससे होता क्या है कि आर्टिजन को कभी फ़ायदा नहीं मिला, वो कभी अपने ऑनलाइन पे जा नहीं सके क्योंकि अब बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। क्या उनके लिए ये क्या ये प्रोग्राम्स उनको उनके हेल्प के लिए आएंगे? क्योंकि स्कीमें तो हैं लेकिन उस शख्स तक नहीं पहुंच रही है जो आर्टिजन भी है और जिसको फ़ायदा चाहिए होता है। उस स्कीम को आर्टिजन तक और आम आदमी तक पहुँचाने के लिए ही ये शुरुआत करी जा रही है और ये गाड़ियाँ हम यहाँ पर कोई 50-60 दिन तक चलाएंगे ताकि केवल शहर के अंदर ही नहीं देहात के अंदर भी जानकारी लोगों को मिले और मदद करने के लिए हमारी कोऑपरेटिव अफेयर्स की मिनिस्टर और मिनिस्ट्री पूरा काम करेंगे। काफ़ी दिनों से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं, अभी तक आई नहीं है, ज़मीन पे दिख नहीं रही। देखिए पिछले 2-3 साल के अंदर कोविड आया था और लोगों को डर लगने लग गया था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों का रोकथाम हो गया था, लेकिन जैसे ही अब माहौल बेहतरीन हुआ है और जैसा कि आने के उपरांत मुझे मालूम चल रहा है अमन चैन यहाँ पर फिर से आने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी गुंजाइश है कि यहाँ पर लोग इन्वेस्टर फिर से इको फ्रेजाइल जोन है। क्या हम सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ कि हम उसी राह पे हैं जिस राह पे एक ज़माने में चले थे? क्योंकि ये बहुत इको फ्रेजाइल जोन है, यहाँ पर बात करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जो यहाँ के इन्वायरमेंट को भी बचा सके। कोशिश तो यही करी जाएगी, सोच विचार करके उसी तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी जाए जो कि वातावरण को ख़राब ना करे और यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। धन्यवाद। बेरोजगारी आप किस तरह देखते हैं आज के हालात? देखिए दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है और यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी ख़राब हो रही है और अल्लाह जाने अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किल सारी दुनिया में फैलेंगे। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगे, बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है काम करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। शुक्रिया। चलें।